साथ उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। तो सभी जिलों में हल्की से तेज बारिश के आसार। प्रदेश के 9 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। तो गढ़वाल रीजन में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा नैनीताल और बागेश्वर की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया। उत्तरकाशी चमोली में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बागेश्वर में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश जो है वो आफत का सबब बनी हुई है। सभी जिलों में हल्की से तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से। प्रदेश के 9 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा गढ़वाल रीजन में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल और बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तरकाशी चमोली में भी तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार बारिश आफत का सबब पहाड़ पर और चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट। जी बिल्कुल, देखिए मैदान से लेकर पहाड़ों तक कहीं ना कहीं बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी बारिश देखने को मिल रही है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। और वहीं अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के जो जनता है उनकी मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से बारिश से देखने को मिलेगी। और आज भी देखिएगा कि 9 जिलों के अंदर कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, चमोली, देहरादून ऐसे जिले हैं कि जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और बारिश की संभावना के साथ साथ मौसम विभाग ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय रहते कोई भी हादसा हो उसको काबू भी किया जा सके, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार उत्तराखंड के अंदर आती हैं और उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। कम करने के लिए तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देख सकते होंगे कि मुख्यमंत्री कुशलता में लगातार कहीं ना कहीं सभी टीमों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। आपदा प्रबंधन हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एचआरएस की टीम हो या अन्य टीमें हो, सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद भी धनराज कहीं ना कहीं चुनौती और मुश्किलें लोगों की बढ़ती नजर आती है और वो चैलेंज प्रशासन के लिए भी काफी कड़ा हो जाता है। प्रदेश के 9 जिलों की अगर बात करें तो हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ये अलर्ट जारी हुआ है, साथ ही वहां पर किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल और अन्य कई ऐसे जिले हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज से अधिक बारिश उन जिलों में देखने को मिल सकती है और उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं लगातार देखने में आता है कि जो भूस्खलन के मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं और नदी नाले भी उफान पर रहते हैं। तो सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो नदी नालों के पास न जाए, ताकि कोई हादसा ना हो सके, उससे बचने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर आप देखिए जोरों पर चल रही है और चारधाम मार्ग पर भी कहीं ना कहीं बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके लिए भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि चारधाम यात्रा करने से पहले वो मौसम का पूर्वानुमान जान ले और जब कभी ऐसा दिखता है कि बारिश हो रही है तो वहीं पर रुक जाए जहां पर है, आगे अपनी यात्रा को ना करें और जब बारिश रुक जाए उसके बाद ही यात्रा को प्रारंभ करें, ताकि इन हादसों से बचा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो हादसे से बचने के लिए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो नदियों नालों से दूर रहे, सुरक्षित जगहों पर ही रहे, साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड मुसीबत बनी हुई है और मलबा आ जाने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। कंचनबाली के पास मलबा आ जाने की वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा रोक दी गई। हाईवे पर जगह जगह तीर्थयात्री फंसे हुए जिनको निकालने की कवायद जारी है। वहीं चमोली से बड़ी खबर, रुद्रनाथ मंदिर आए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। 30 मीटर गहरी खाई में गिर गया था श्रद्धालुओं का वाहन, तो स्थानीय लोगों और वन विभाग ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तमाम लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से देहरादून इलाज के लिए भेजा गया। फरीदाबाद से आए श्रद्धालु हुए थे हादसे का शिकार। तो ये बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे, जहां रुद्रनाथ मंदिर में आए श्रद्धालु का रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी को सुरक्षित
जो अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो देखिए उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे, जब एयरलिफ्ट कर यहां पर 30 मीटर गहरी खाई से इन लोगों को निकाला गया। बता दें कि 30 मीटर गहरी खाई में श्रद्धालु को वाहन गिरने से यह हादसा हुआ है। तो स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, जिसके बाद सुरक्षित जगहों पर इन तमाम लोगों को पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून इलाज के लिए इन तमाम घायलों को भेजा गया। वहीं नैनीताल की भीमताल झील में पर्यटक नौकायन का आनंद ले रहे थे और इसी बीच एक पहाड़ों पर पाए जाने वाला बारासिंगा झील में एक तरफ से दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन बारासिंगा मस्ती करते हुए अपने आप निकल गया। इस दौरान नौकायन कर रहे पर्यटकों ने वीडियो बनाना शुरू किया।